पांवटा विधानसभा क्षेत्र में आपके बहुत बड़ा समारोह चला हुआ है, राज्य स्तरीय, जिसे यमुना शरद महोत्सव कहते हैं। आपकी कोई सक्रियता भूमिका उसमें अभी नजर ना आ पाई है, और क्या संपर्क हुआ कमेटी की तरफ से? मैंने तो पिछली बार कहा भी था प्रशासन से मजाक में, मैंने कहा कौन से कार्यक्रम में जाऊं भाई, जिलाधीश मोदी जी वाले कार्यक्रम में जाऊं या जंग साहब वाले कार्यक्रम में जाऊं या मंत्री वाले कार्यक्रम में जाऊं। स्टेट हेड का कोई भी योगदान पोंटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 साल से नहीं। प्रधानमंत्री ने बार बार जिक्र किया हिमाचल का, हरियाणा में हमने देखा, हिमाचल कांग्रेस की जो सरकार है उसका प्रभाव हरियाणा में देखने को मिला, कैसे देखते हैं आप? टॉयलेट टैक्स लगाने की, इसमें सुखू साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा नाम ढूंढ के लाई, हमने ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया। चौधरी साहब क्या कारण देखें, दो दो मुख्यमंत्री है फिर भी क्यों जो है ये स्थिति पैदा हुई? कांग्रेस के 6 विधायकों का कांग्रेस से मोह भंग हो जाना, ये छोटी बात नहीं, भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ। अभी कल ही हमने नेशनल मीडिया का उनका एक इंटरव्यू देखा, कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए हम दे रहे हैं मकान जिसका क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी जिनके मकान डैमेज हुए हैं उनको तो पैसा नहीं मिला, उसमें भी पिक एंड चूज हुआ। बार बार प्रदेश सरकार, चाहे हरियाणा में प्रचार के लिए गए थे चाहे कहीं और जाए, सीधे शब्दों में अगर मैं हूबहू बताऊं तो मुख्यमंत्री ने इतना तक कहा है कि एक फूटी कोड़ी केंद्र ने नहीं दी, इतनी बड़ी आपदा आई। देखिए मुख्यमंत्री जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश तो केंद्र के सहायता के बगैर चल ही नहीं सकता, कि जब इनकी मदद नहीं हो रही है तो हरियाणा की मदद भी नहीं होगी, तो उसका भी मैसेज गलत गया है। कि जब ये स्मार्ट मीटर लगेंगे तो रिचार्ज वाला सिस्टम हो जाएगा कि जितने का रिचार्ज किया उतनी आपकी बिजली, जितने आप पैसे डालेंगे उतनी बिजली कंज्यूम कर लेंगे, कंजम्पशन हो जाएगी और बाद में आपको वार्निंग आ जाएगी। और इसी सरकार ने, इसी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। बिना कर्ज के क्या वाकई में सरकार चलाना अब इतना मुश्किल हो गया है? इसमें सिर्फ क्या कांग्रेस जिम्मेवार है, क्योंकि बीजेपी हो कांग्रेस हो बिना कर्ज के सरकार चलाना तो मुश्किल है। मैं प्रशासन को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, अच्छा सर्व महोत्सव मनाए। जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, कांग्रेस के नेताओं के बारे में सरकार बिल्कुल पोंटा को इग्नोर कर रही है। पूर्व ऊर्जा मंत्री और मौजूदा पांवटा साहिब से बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी हमारे साथ हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे मौजूदा हालात हिमाचल प्रदेश के उस संदर्भ में, पांवटा साहिब के संदर्भ में भी। सुखराम जी बहुत स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। थैंक यू। जो है हिमाचल की बात करें उससे पहले हमें लगता है कि हमारे पड़ोस में चुनाव हुए हरियाणा में, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हिमाचल से भी ड्यूटी लगी थी कई जो है पूर्व मुख्यमंत्री हो आप हो। प्रधानमंत्री ने बार बार जिक्र किया हिमाचल का, हरियाणा में हमने देखा, क्या वाकई में हिमाचल का प्रभाव, हिमाचल जो अभी बीते दिनों कई पत्रकारों ने खबरें भी चली, भले किसी पे एफआईआर हुई हो, हेडलाइन ये चली हर जगह पर कि हिमाचल कांग्रेस की जो सरकार है उसका प्रभाव हरियाणा में देखने को मिला, कैसे देखते हैं आप? हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसने जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए गारंटियां दी थी उनको सही तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार लागू नहीं कर पाई, और उसका सीधा सीधा असर हरियाणा के चुनाव के ऊपर पड़ा है, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने की बात हो। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की पार्टी ने उसमें कहा था कि हम हर महिला को 18 से 60 साल की जिसकी उम्र होगी बिना कोई कंडीशन हम उसको 1500 रुपये प्रति महीना देंगे। वो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, अब उसमें 14 कंडीशनें लगा दी, अब तो आ भी नहीं रहे जो भी उसमें, और जो फार्म जमा किए हैं उनकी स्क्रूटनिंग नहीं हो रही है, लाखों फार्म जमा है, वो झूठी गारंटी सिद्ध हुई। पिछले दिनों चर्चा हुई टॉयलेट टैक्स लगाने की, पानी के बिलों पर, इसमें सुखू साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा नाम ढूंढ के लाई, हमने ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया। देखिए जब कोई नोटिफिकेशन होती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि मुझे पता नहीं है कि ये अधिकारियों ने नोटिफिकेशन निकाल दी, इसलिए बहुत सी बातों में हिमाचल प्रदेश की सरकार मैं ये कहूँगा फेल हुई है।
उसका सीधा असर हरियाणा के चुनाव के ऊपर पड़ा है। तो चौधरी साहब क्या कारण देखें, दो दो मुख्यमंत्री है फिर भी क्यों जो है ये स्थिति पैदा हुई? क्या वाकई में ये है कि सुक्खू जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ना मंत्री कभी बनाए गए थे, जैसा कई लोग कहते हैं कि अनुभव की कमी है, लेकिन फिर अगर अनुभव है तो उप मुख्यमंत्री भी है। देखिए बात ऐसी है, ये बात साफ हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं, कांग्रेस के 6 विधायकों का कांग्रेस से मोह भंग हो जाना ये छोटी बात नहीं। राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने उसके एंटी वोट डाला और वो अपने मंत्रियों से मुख्यमंत्री से आग्रह करते रहे, निवेदन करते रहे कि हमारी बात को सुना जाए, संगठन में बातचीत करते रहे, उनकी बात को नहीं सुना गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, देखने में वो छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और आज पूरी जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस है वो बंटी हुई नजर आ रही है, फील्ड में काम नहीं हो रहा है। पिछले दिनों पोंटा विधानसभा क्षेत्र में आपको पता है पिछले महीने की जो गया है महीना, भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ उसमें आज भी लोग परेशान हैं। सुक्खू साहब उस पे भी कह रहे हैं, अभी कल ही हमने नेशनल मीडिया का उनका एक इंटरव्यू देखा, कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए हम दे रहे हैं अब मकान जिसका क्षतिग्रस्त हुआ है। वो पिछली नोटिफिकेशन में दिया जिनको दिया, अभी जिनके मकान डैमेज हुए हैं उनको तो पैसा नहीं मिला, उसमें भी पिक एंड चूज हुआ। बहुत सी बातें हैं, यानी कि हर क्षेत्र में वर्तमान सरकार फेल हुई है। सड़कें नहीं खुल रही हैं, बंद पड़ी हैं, सिंचाई की स्कूलें बंद पड़ी हैं, लोगों का अदरक सूख रहा है। और जहां सड़कें डैमेज होगी उनकी रिपेयर करने में सरकार अभी तक असमर्थ है। चौधरी साहब क्योंकि आप तो जो है वरिष्ठ नेता है, आप आंकड़े भी प्रस्तुत करते रहे हैं, कई दफा हमने देखा है बार बार प्रदेश सरकार चाहे हरियाणा में प्रचार के लिए गए थे चाहे कहीं और जाए, सीधे शब्दों में अगर मैं हूबहू बताऊं तो मुख्यमंत्री ने इतना तक कहा है कि एक फूटी कौड़ी केंद्र ने नहीं दी इतनी बड़ी आपदा आई। देखिए मुख्यमंत्री जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं और झूठ की भी एक हद होती है। जब यहाँ पर त्रासदी हुई, हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, 1785 करोड़ की मदद हिमाचल प्रदेश को की गई और अभी भी केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहा है, उसी मदद से हिमाचल प्रदेश चल रहा है। परंतु मुख्यमंत्री जी बार बार इस तरह का जिक्र करना, हमें कोई मदद नहीं हुई, केंद्र ने कोई मदद नहीं की, हम अपने बलबूते पर प्रदेश को चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश तो केंद्र के सहायता के बगैर चल ही नहीं सकता। बहुत सी हिमाचल प्रदेश को कई मदों में हिमाचल प्रदेश मदद करता है तब हिमाचल प्रदेश चलता है। इसलिए जब इस तरह की हम बातचीत करेंगे तो एक मैसेज भी गलत जाता है। और हरियाणा में भी चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने जाकर बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश केंद्र ने हमारी कोई मदद नहीं की, तो लोगों ने समझा कि जब इनकी मदद नहीं हो रही है तो हरियाणा की मदद भी नहीं होगी, तो उसका भी मैसेज गलत गया है। और एक मैसेज में ये भी देख रहा था कि विक्रमादित्य ने कल सुबह सुबह एक पोस्ट की, वो धन्यवाद कर रहे हैं नितिन गडकरी साहब का, केंद्र सरकार का कई दफा धन्यवाद करते हैं। खैर एक अहम सवाल ये उठता है क्योंकि असमंजस की स्थिति इसमें भी है, आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं, मीटर लगाने की बात हो रही है कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, अभी तक कब तक लगेंगे? क्योंकि हमारे पांवटा विधानसभा क्षेत्र में ही कई लोग मुझे मिले जिनके मीटर पुराने खराब हैं, नए लग नहीं रहे हैं ना मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी नहीं है स्मार्ट मीटर आएंगे। क्या वाकई में जो सोशल मीडिया पर जो है खबरें चल रही है कि जब ये स्मार्ट मीटर लगेंगे तो रिचार्ज वाला सिस्टम हो जाएगा कि जितने का रिचार्ज किया उतनी आपकी बिजली? हाँ स्मार्ट मीटर जब लगेंगे, हिमाचल प्रदेश में लगने शुरू हुए हैं, तो उसमें जितने आप पैसे डालेंगे उतनी बिजली कंज्यूम कर लेंगे, कंजम्पशन हो जाएगी।
और बाद में आपको वार्निंग आ जाएगी, दोबारा पैसे डाल देंगे, मीटर आपका चल जाएगा। तो बिजली की जो यूनिट पर यूनिट है उसका क्या हिसाब? देखिए जहाँ तक इंडस्ट्री की है, इंडस्ट्री में लगभग 1 रुपया प्रति यूनिट सरकार ने बढ़ाया है, कमर्शियल पे भी 1 रुपया प्रति यूनिट बढ़ाया है। जो फ्री है वो बंद हुआ है, जो फ्री जिसे कह रहे थे कि बीजेपी ने जाते जाते किया 125। देखिए उसका फ्री का कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री को फ्री नहीं था, कोई कमर्शियल इंडस्ट्री को फ्री नहीं था। वो तो जो 125 यूनिट कंज्यूम करता था उस उपभोक्ता को फ्री में बिजली मिलती थी, इसलिए कमर्शियल को फ्री में मिलने का कोई मतलब नहीं था, इंडस्ट्री को फ्री में मिलने का कोई मतलब नहीं था। वो तो जो डोमेस्टिक बिजली है उसमें हमने राहत दी थी, और इसी सरकार ने, इसी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। अब वो ना तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिली, अब इन्होंने इसे 125 यूनिट बिजली को भी बंद करने की बात कही है। उसकी भी सरकार रूपरेखा तैयार कर रही है, बंद करने की तैयारी कर रही है। इसलिए ये जो सरकार है विरोधाभास की सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। अंतिम दो सवाल है, पहले हम बात एक प्रदेश लेवल पे करेंगे फिर पांवटा साहिब में आएंगे। कर्ज को लेकर बार बार बातें होती है, क्योंकि बिना कर्ज के क्या वाकई में सरकार चलाना अब इतना मुश्किल हो गया है? इसमें सिर्फ क्या कांग्रेस जिम्मेवार है, क्योंकि बीजेपी हो कांग्रेस हो बिना कर्ज के सरकार चलाना तो मुश्किल है। 34-35 हजार करोड़ के करीब अभी सुक्खू सरकार कर्ज ले चुकी है, कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को, जो कर्ज लेने का जो एक चलन चला है या फिर बिना कर्ज के सरकार नहीं चल पा रही? देखिए जहाँ तक हिमाचल प्रदेश, छोटा सा प्रदेश है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है हिमाचल प्रदेश के, इसलिए हिमाचल प्रदेश को चलाने के लिए जो एक गाइडलाइन के अनुसार हर एक सरकार है, ना केवल हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में जितनी सरकारें वो कर्ज लेती हैं, उनका एक सिस्टम है। तो ये प्रथा कर्ज लेने की कांग्रेस की सरकार के समय में शुरू, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय से शुरू हुई और हर सरकारें कर्जा लेती रही। जब प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी की सरकार थी प्रदेश में तो 24 हजार करोड़ का कर्ज था। जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार गई, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो 48 हजार करोड़ का कर्ज हो गया। जब हमारी सरकार के 5 साल कंप्लीट होने में 69 हजार करोड़ का कर्ज हो गया, 21 हजार करोड़ का कर्ज हमने लिया, इन्होंने 24 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। 34 हजार के करीब पहुंच गए। अभी ये जो है ये 69 हजार से लगभग 90-92 हजार करोड़ तक के कर्ज तक पहुंच गई है सरकार। इसलिए उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, विकास के काम हो, ना तो विकास हो रहा है, विकास शून्य है, कोई नई सड़क नहीं बन रही है स्टेट हेड में, कोई नया काम नहीं हो रहा है स्टेट हेड में, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसलिए ये वर्तमान की सरकार की जो काम करने की तरीका है उससे हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है, विकास में पीछे जा रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और जो इन्होंने घोषणाएं की हैं उनको, घोषणाओं को भी ये पूरा करने में समर्थ रहे हैं। अंतिम सवाल है, पांवटा विधानसभा क्षेत्र में आपके बहुत बड़ा समारोह चला हुआ है राज्य स्तरीय, जिसे यमुना शरद महोत्सव कहते हैं, आपकी कोई सक्रियता भूमिका उसमें अभी नजर ना आ पाई है, और क्या संपर्क हुआ कमेटी की तरफ से? देखिए इस मुद्दे पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, इसमें जो है औपचारिक रूप से निमंत्रण मिलता है, मैंने तो पिछली बार कहा भी था प्रशासन से मजाक में, मैंने कहा कौन से कार्यक्रम में जाऊं भाई, जिलाधीश मोदी जी वाले कार्यक्रम में जाऊं या जंग साहब वाले कार्यक्रम में जाऊं या मंत्री वाले कार्यक्रम में जाऊं, इसलिए ऐसा इसमें ज्यादा मैं नहीं ज्यादा जाना चाहते इसमें, क्योंकि ये अच्छी बात है, बहुत दिनों से प्रथा है हिमाचल जिला सिरमौर में और पांवटा साहिब यमुना सर महोत्सव की। मैं प्रशासन को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, अच्छा सर महोत्सव मनाए, लोगों को अच्छा मनोरंजन मिलना चाहिए, अच्छे कलाकार यहाँ आने चाहिए, इतनी बात मैं बोल सकता हूँ। बाकी ये प्रशासन का काम है, जो उन्होंने करना वो करें, परंतु लोगों का मनोरंजन ठीक होना चाहिए, अच्छा कार्यक्रम यहाँ हो ताकि जो लोग आए निराश होकर ना जाएं, खुश होकर जाएं। ठीक है, पांवटा में जो है अभी तो 2-3 साल हो गए हैं, क्या बिना सरकार के दिक्कतें तो विधायक को जाहिर सी बात है आती है, लेकिन फिर भी कैसे देख रहे हैं अब तक के कार्यकाल को सुक्खू सरकार की पांवटा में?
जहां तक पोंटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, बहुत निराशाजनक कार्यकाल रहा 2 साल का, क्योंकि जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, कांग्रेस के नेताओं के बारे में उनका विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है, वो अपना एक सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, तो उससे हिमाचल जिला पोंटा साहब जो है विकास में पिछड़ रहा है। हम तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ बात भी रखते हैं, और अभी भी पोंटा में जो काम चले हैं या तो नवाड के काम चले हैं जो विधायक प्राथमिकता में सेक्शन हुए हैं, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें उन पर काम चले हैं, स्टेट हेड का कोई भी योगदान पोंटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 साल से नहीं। सरकार बिल्कुल पोंटा को इग्नोर कर रही है, कोई काम पोंटा में विकास का नहीं हो रहा है। आने वाले समय में पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोग वर्तमान सरकार को इसका जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने समय निकाला। थैंक यू।